अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद जमील एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मोरखा 11 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन बिल्कुल बाहर अक्का में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ और आज मेरा यहाँ आने का मकसद पाकिस्तान रेलवे की सबसे लेजेंडरी ट्रेन 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस की रेस्टोरेशन डे है, जो कि आज से तकरीबन 45 डेज पहले बलूचिस्तान में मच और कोलपुर के दरमियान जो रेलवे ब्रिज था वो इनके तबाह हो चुका था बम ब्लास्ट की वजह से, जो कि तकरीबन पाकिस्तान रेलवे ने आज 45 दिन बाद जाफर एक्सप्रेस की ट्रेन सर्विस बहाल की है। जाफर एक्सप्रेस की अगर रूट की बात की जाए तो पेशावर से कोयटा के दरमियान, यह चारों सुबह की ट्रेन है जो कि पेशावर से कोयटा के दरमियान चलती है और पेशावर से सुबह 7:30 बजे ट्रेन का डिपार्चर होता है और उसके बाद रावलपिंडी पहुंचती है। रावलपिंडी से बाद कुछ स्टॉप करने के बाद लाहौर 3:40 पर अराइवल होता है। तो आज तकरीबन 20 मिनट अर्ली जाफर एक्सप्रेस 40 डाउन लाहौर पहुंच चुकी है। तो अभी प्लेटफार्म के अंदर चलते हैं और बाकी का अहवाल आपको आगे चलकर बताते हैं। ट्रेन भी, ट्रेन की जो कोचिज हैं कंपोजिशन है वो भी बिल्कुल नहीं है। तो आज का लिंक देखते हैं जाफर एक्सप्रेस का कि कौन सा लोकोमोटिव इसको अटैच है। चैनल में ले लें। शुक्रिया भाई, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। जाफर एक्सप्रेस आज सुबह 7:30 पेशावर से चली थी, तो जो लोकोमोटिव इसकी लीड पर था वो 6405 और काफ़ी सजावट की हुई थी लोकोमोटिव पर। तो अब लाहौर स्टेशन प्लेटफार्म पर चलते हैं, प्लेटफार्म नंबर 5 पर इसको लिया जाता है आम रूटीन में, तो चलते हैं प्लेटफार्म नंबर 5 की जानिब। तो प्लेटफार्म नंबर 5 की जानिब चलते हैं और चलकर देखते हैं कि इसके लोकोमोटिव यानी पावर को भी सजाया गया या नहीं। कोचेस बिल्कुल न्यू है, रिफर्बिश्ड। प्लेटफार्म नंबर 2, ये प्लेटफार्म नंबर 4। अभी 4 बजे ये जो पैसेंजर आप देख रहे हैं पाक बिजनेस एक्सप्रेस के, इस प्लेटफार्म पर पाक बिजनेस एक्सप्रेस प्लेस होगी। वो रही सामने चारों सुबह की ट्रेन जाफर एक्सप्रेस। तकरीबन 20 मिनट पहले लाहौर पहुंची है और कोचेस को रिफर्बिश्ड किया हुआ अच्छी कंडीशन में है। 45 दिन बाद जो कि पाकिस्तान रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस को बहाल किया और हंगामी बुनियादों पर कोलपुर और मच के दरमियान जो पुल तबाह हुआ था उसका काम हंगामी बुनियादों पर किया। CNR CFI कोचीज हैं। पेशावर जाफर एक्सप्रेस कोयटा। जो लिंक इसको लेकर आया वो ZCU 20 6405 लेकर आया है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, खैरी से हैं? फिर फाट अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपके दोस्त आगे हैं? जी मैं जा रहा हूँ बस उनको ज्वाइन कर। आ जाए आप भी। लगेज अनलोडिंग हो रही है, मैं ज़रा लेट आया हूँ। तो अभी हम पावर लिंक देख लेते हैं इसको, GU20 का लिंक है, 4552। सजावट लाहौर वालों की तरफ से बिल्कुल नहीं की गई,
लोकोमोटिव को नहीं सजाया गया। 5 ऑफ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस आ चुकी है 90-17 की क्यादत में। तकरीबन 10 मिनट लेट है बस। वेरी गुड ट्रेन सर्विस फॉर पाकिस्तान रेलवे ग्रीन लाइन। तो दोस्तों जाफर एक्सप्रेस आज बहाल हो चुकी है। तो अगर इसके कोचेस कंपोजिशन की बात की जाए तो ये इस वक्त पेशावर कोटा की कोचेस के साथ टोटल 11 कोचेस हैं, जिनमें 5 इकोनॉमी क्लास कोचेस है और एक लगीज है, 2 एसी स्टैंडर्ड है, 1 बिजनेस क्लास है, 1 एसी स्लीपर है और 1 पावर वैन है। टोटल ये 11 कोचेस है, जबकि लाहौर कोटा की कोचेस अभी आनी है और वो भी 4 से 5 कोचेस वो होंगी जो अटैच होंगी। और यूँ कुल मिला के 15 से 16 कोचेस लाहौर से कोटा के दरमियान चलेंगी। तो अभी तकरीबन 20 मिनट का ऑफिशियल स्टॉप है, 20 से 30 मिनट का लाहौर जंक्शन पर, जिसमें वाटर रिफिलिंग होगी और लाहौर कोटा की कोचेस अटैच होंगी तो और इसकी मेंटेनेंस देखी जाएगी और पावर भी चेंज होगी। पावर तो आ चुकी है और आज जो इसको लीड कर रहा है GU24552 आज लोकोमोटिव इसको लीड कर रहा है। तो अभी तकरीबन लाहौर कोटा की कोचेज अभी अटैच होंगी तो फिर ट्रेन डिपार्चर होगी कोटा के लिए। जैसा कि बता चुका हूँ प्लेटफार्म नंबर 4 पर 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस का रैक प्लेस हो रहा है लाहौर से कराची के लिए। तो दोस्तों आप इस वक्त लाहौर कोटा की कोचेज देख रहे हैं जो 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस के साथ अटैच हो रही हैं। तकरीबन 6 से 7 कोचेज हैं। बिल्कुल रिफर्बिश्ड की हुई हैं और अच्छी कंडीशन में। और CFI कोचेज हैं, कैरिज फैक्ट्री इस्लामाबाद में तैयार हुई हैं। तो दोस्तों जाफर एक्सप्रेस के हवाले से पाकिस्तान रेलवे का बहुत अच्छा इकदाम, जो कि पाकिस्तान रेलवे ने बहुत कम वक्त में हंगामी बुनियादों पर कोटा में कोलपुर और मच्छ के दरमियान जो रेलवे ब्रिज है उसको हंगामी बुनियादों पर दोबारा तमीर किया, जो कि आज से तकरीबन 26 अगस्त को दहशतगर्दों ने उस पुल को तबाह किया था। उसके 2 से 3 जो पिलर थे वो गिर गए थे और मुकम्मल तौर पर जो रेलवे ट्रैक था उस हिस्से का वो तबाह हो चुका था। तो पाकिस्तान रेलवे ने बहुत जल्द 30 से 35 दिनों में ये जो पुल था उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की और उसको ट्रेन के लिए बहाल किया। तो आज 11 अक्टूबर को पाकिस्तान रेलवे ने जाफर एक्सप्रेस को तकरीबन 45 दिन बाद बहाल किया और कोचेज बहुत प्यारी तैयार की हुई है पाकिस्तान रेलवे ने। वेरी गुड पाकिस्तान रेलवे। और अभी आपको हम 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का डिपार्चर दिखाते हैं। तकरीबन 20 मिनट पहले रावलपिंडी से आ चुकी थी जल्दी और अभी इधर इसकी रिफिलिंग हुई है, मेंटेनेंस हुई है, क्रू चेंज हुआ है और पावर चेंज हुई है और अभी थोड़ी देर में इसका डिपार्चर आपको दिखाते हैं। जी तो दोस्तों इस वक्त 4:38 हो चुके हैं और 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस डिपार्चर कर रही है लाहौर जंक्शन से।
जाफर एक्सप्रेस जो कि बेसिकली 2002 में इसको तब के वज़ीर आज़म जनाब मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब ने चलाया था, और तब से लेकर अब तक ये पाकिस्तान रेलवे की कामयाब तरीन ट्रेन है और चारों सूबों में ये चलती है, चारों सूबों की ये ट्रेन है। और पेशावर से इसके स्टॉपेजेस की बात की जाए तो कुछ मल्टीपल स्टॉपेजेस के साथ ये रावलपिंडी पहुंचती है, और रावलपिंडी से चलकर ये मल्टीपल स्टॉपेजेस के साथ लाहौर पहुंचती है। और इधर इसका क्रू वगैरह चेंज होता है, मेंटेनेंस देखी जाती है, और उसके बाद ये लाहौर से 4:20 पर तकरीबन आगे क्वेटा के लिए रवाना होती है। यार्ड की स्पीड को फॉलो करना पड़ेगा, बिल्कुल परमिसिबल स्पीड पर डिपार्चर हो रहा सा ट्रेन नोच कर रही है, स्पीड गेन हो रही है ट्रेन की। तो दोस्तों ये था डिपार्चर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस का, जो कि आज 45 दिन बाद बहाल हुई है। तो दोस्तों मेरी दुआ है कि पाकिस्तान रेलवे ऐसे ही तरक्की करता रहे, तरक्की की राह पर गामजर रहे, और पाकिस्तान रेलवे नई से नई ट्रेन चलाता रहे। तो मज़ीद इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ या ट्रैवल के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे जिंदाबाद।